तो स्वागत है आप सब लोगों का शो टाइम पे, जहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आप मेरी वीडियो देखते ही हो तो वीडियो पे लाइक करते हो जाना, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज बनाता रहूं। तो वीडियो को लाइक करो, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, और एक अमेजिंग सा कॉमेंट भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं एलिसन को लीडिया के साथ में, जहां पर वो जा रही थी स्कॉट के पास में, क्योंकि उसे लगता है जो उनके हाथ पे मार्क है वो किसी तरह का सिंबल है, और यहाँ पर स्कॉट उनकी हेल्प कर सकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। वही हम देखते हैं स्कॉट के पास जाने की ट्राई कर रही थी, और यहाँ पर लीडिया को नहीं लगता कि वो हेल्प कर सकता है। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जो अभी स्टाइल के साथ स्टाइल की बचपन की दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने लग रहा है, और वहां पर स्टाइल साफ करता है कि आज हम एलिसन बाकी सब टॉपिक को वहीं पर छोड़कर आएंगे और पार्टी को एंजॉय करेंगे। हम देखते हैं अपने बचपन की दोस्त की पार्टी में जा रहा था, और जैसे वो अंदर जाते हैं वो उसकी दोस्त उसे किस कर लेती है, और ये देख के स्टाइल भी शौक में है, और उसकी दोस्त उसको लेकर जाती है वाइन के लिए। वाइन तो बहाना है, उसके साथ रोमांटिक हो जाना है, और ये देख के कोर्ट बहुत ही ज्यादा खुश है, चलो इसके दोस्त को एक बंदी तो मिली। वही हम देखते हैं बेसमेंट में दोनों करीब आने लगते हैं, और ये देख के स्टाइल्स को यकीन ही नहीं हुआ कि हैदर जो उसकी बचपन की दोस्त है वो उसे पसंद करती है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, और यहाँ पर स्टाइल बोलता है प्रोटेक्शन जरूरी है। हम देखते हैं हैदर बताती है कि उसके भाई के रूम में मिल जाएगी, और हम देखते हैं वहां से भागने लगता है स्टाइल जल्दी में, पहली बार कर रहा है भाई, एक्साइटेड है वो। हम देखते हैं भागने लगता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हैदर उसका वेट कर रही थी। हम देखते हैं उस टाइम पे हैदर को लगता है कि वो अकेली है, बट उससे तभी बोतल गिरने की आवाज सुनाई देती है, और बोतल गिरती भी है, और ये देख के वो डरने लगती है और बोलती है मजाक मत करो यहाँ पर, बट तभी पता चलता है ये मजाक नहीं है, और वहां पर सारी बोतल्स गिरने लगती हैं जैसे कि उनको कोई गिरा रहा हो। वही हम देखते हैं डरते हुए हैदर पीछे आती है, और उसको ऊपर कोई खींच लेता है, मतलब उसका किडनैप हो चुका है, और ये सारी प्लानिंग थी। और हम देखते हैं स्टाइल खुश होते हुए वापस आता है लेकर प्रोटेक्शन को। हम देखते हैं जैसे वो नीचे आता है वो देखते हैं वहां पर हैदर थी नहीं, पूरी जगह क्लीन हो चुकी है, और सिर्फ हैदर के वहां पर जूते हैं, और ये देख के उसे डाउट होता है और वापस ऊपर आने लगता है। हम देखते हैं उसी मोमेंट पे कोर्ट के पास बार बार मैसेज आ रहा था एलिसन का, जिसको माना नहीं कर सकता है, सीधा जाता है बाहर जहां पर एलिसन उसका वेट कर रही थी। वो अपना सिंबल दिखाती है और बोलती है इसका कोई तो मतलब है। हम देखते हैं स्कॉट उसको हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई कितनी भी बुरी एक्स हो, पहली बात तो उसकी दोस्त, और शायद वो हेल्प ले डायरेक्ट से, क्योंकि शायद उसको इस सिंबल के बारे में पता नहीं है। बट यहाँ पर लीडिया को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एलिसन बनाने लग रही है, हाथ पे मार्क कोई सिंबल थोड़ी ना हो सकते हैं। और वही हम देखते हैं अगले दिन आइसैक को, जो डेरिक के साथ बैठा हुआ था, और साफ कर देता है कि वो उसके अंकल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। और वही डेरिक खुद बोलता है मुझे उस पर खुद ट्रस्ट नहीं है, और वहीं पर पीटर आ चुका था और बोलता है मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, और तुम मेरे मुंह पे कह सकते हो जो भी तुम्हें कहना है। और तभी डेरिक साफ करता है कि हम तुझे पसंद नहीं करते, ना ही तुझ पे ट्रस्ट करते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार था, जिससे कि आइसैक की मेमोरी वापस लाई जा सके और वो इवेंट याद दिला सके जहाँ पर वो ढूंढने गया था अल्फा पैक को, बट उस पर अटैक हुआ, वो सब चीजें उसे कुछ याद नहीं है, और कहाँ पर एरिका बॉयड, उन सबको ढूंढने के लिए उसकी मेमोरीज के अंदर झांकना पड़ेगा, जो पीटर को करना आता है। हम देखते हैं पीटर साफ कर देता है कि हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो क्या तू पैरालाइज हो जाएगा और या तू मर जाएगा, बट डोंट वरी अब तक कोई भी पैरालाइज नहीं हुआ है मेरे हाथों, और ये कहने को उसे मारने लगता है। और ये देख के समझ जाता है डेरिक कि इसने अब तक कई सारे लोगों को मार चुका है उनकी मेमोरीज फाइंड करने के चक्कर में। हम देखते हैं यहाँ पर पीटर उसकी मेमोरी में झांक पाता है, बट वो सब कुछ धुंधली मेमोरीज थी, और ये देख के उसको डर लगने लगता है कि कुछ तो गलत हुआ एरिका बॉयड के साथ में, और अल्फा की जो पूरी पैक है वो बहुत ही खतरनाक है। और वही हम देखते हैं नहीं बताना चाहता ये सारी बात डेरिक को, बट डेरिक को सब पता चल चुका था कि गड़बड़ यहीं पर है और वो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखते हैं उस टाइम पे पीटर कुछ नहीं करना चाहता है और यहाँ पर सीधा बुलाता है स्कॉट डेरिक को अपनी हेल्प के लिए, जहाँ पर आने के बाद साफ करता है कि उसे इस निशान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और यहाँ पर उसने उसको मिलवाया था एलिसन और लिडिया से। हम देखते हैं वहां से जाने की कोशिश करता है, बट साफ करना चाहता है स्कॉट कि एक दूसरे की हेल्प करने में भलाई है, हम एक ही टीम में तो है, सब एक साइड में है। बट तभी साफ करता है डेरिक कि ये वो लड़की है लिडिया, जिसने मेरे मरे हुए अंकल को वापस जिंदा किया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर एलिसन, जिसने मुझे 30 से भी ज्यादा तीर मारे हुए हैं। और वहां पर एलिसन साफ करती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है, बट डेरिक साफ करता है कि ना उसकी उसने माँ को मारा है, बल्कि उसके खुद की फैमिली के रूल्स ने मारा है, तो उसको ब्लेम ना करे। और स्कॉट को दूर ले जा कहता है प्लीज इसको सच बता दे, इसकी माँ क्या करने के लिए वहां पर आई थी, जो रियलिटी में हमको पता है गाइस
कि वो वहां पर मारने के लिए आई थी स्कॉट को, जो अब तक स्कॉट ने नहीं बताया है एलिसन को। हम देखते हैं यहां से अब डेरिक जाने लगता है और एलिसन को समझाने का ट्राई करता है कि हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, अगर ये कोई मतलब रखता है तो हम हेल्प करेंगे एलिसन की। और यहाँ पर एलिसन जानना चाहती है जो लड़की इतनी ट्रबल में थी वो क्यों ढूंढने लग रही थी स्कॉट को और अब वो लड़की कहाँ है। और अब वही हम देखते हैं स्कॉट को लगता है कोई तो गड़बड़ है उसके पास, और उसके पास से गुजरने लगते हैं दोनों ट्विन अल्फा। हम देखते हैं उनपे पहचान नहीं कर पाता है स्कॉट और अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ पर उसका पीटी टीचर है, उनका इकोनॉमिक्स टीचर भी है, और स्कॉट के आंसर देने पे कंफ्यूज है कि स्कॉट जैसा बंदा आंसर दे रहा है। और वहां पर उनको एक गेम खिलाने लगता है जहां पर स्टाइल की जेब से गलती से वही प्रोटेक्शन का पैकेट निकल जाता है, और ये देखे पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है, और यहाँ पर स्कॉट भाई उस पर प्राउड करता है, चलो इस भाई ने कुछ तो अच्छा किया, बट स्टाइल को पता है उसने अब तक कुछ नहीं किया है। वही हम देखते हैं स्टाइल को भी गेम खिलाने के लिए ले जाते हैं, बट वहीं पर उसके डैड आ चुके थे उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो हैदर नाम की लड़की अब गायब है और सब लोगों ने बताया कि लास्ट टाइम वो उसके साथ ही थी। हम देखते हैं उस टाइम साफ कर देता है कि उसने उसको पार्टी में लास्ट टाइम देखा था और उसके बाद नहीं देखा, उसे लगा वो किसी दोस्त के साथ चली गई होगी। और वही हम देखते हैं उसके फादर साफ करते हैं कि वो लड़की पार्टी से ही गायब है और अब तक नहीं मिली है। और ये सोचते समय स्टाइल बहुत ज्यादा टेंस होता है क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। यहाँ स्कॉट से डिस्कस करने लगता है और बोलता है कि अल्फा पैक दूसरों को वेयरवुल्फ तो नहीं बना रहा है, उसे पता करना होगा यार, उसकी मॉम मेरी मॉम बेस्ट फ्रेंड थी और मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। हम देखते हैं उस टाइम पे वो सोचते हैं कि किसी तरह आइसेक की मेमोरी वापस लाई जाए जिसकी मदद से कोई हेल्प हो सकती है, और यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी शायद वही हो सकता है। और हम देखते हैं वो जाता है अपनी वेटनरी डॉक्टर के पास में क्योंकि शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो। वही हम देखते हैं वो डेरिक और आइसेक को लेके जा चुका था अपने वेटनरी डॉक्टर के पास में जो शायद उनकी हेल्प कर सके। वहां पर वो साफ करता है वेटनरी डॉक्टर कि हाँ वो हेल्प तो कर सकता है, 100% श्योर नहीं है कि मेमोरीज कैसे बाहर आएंगी और ये खतरनाक है, ये मौत और लाइफ के बीच के अंदर उनको पहुंचाना होगा आइसेक को, तभी वो शायद आंसर बता पाएगा उसकी हुई भूली हुई मेमोरीज से। हम देखते हैं वहां पर बर्फ डालने लगते हैं बहुत बड़े टैंक में, और ये देखे तो डरने लगता है आइसेक, बट ये करना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि एरिका और बॉयड के साथ क्या हुआ। वही हम देखते हैं उसे पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो डरता है, बट ये करना जरूरी था। हम देखते हैं थोड़ी देर में आइसेक कंट्रोल में आ चुका था, और आने के बाद हम देख पाते हैं उससे क्वेश्चन करने लगता है एलन जो उनका वेटनरी डॉक्टर है, और पता लगता है कि हाँ उसको विजुअल दिखाई देने लग रहे हैं उस अल्फा के और बाकी सबके भी, और वहां पर सिर्फ उसको आवाज सुनाई देने लग रही है डेरिक बॉयड की और एरिका की। वही हम देखते हैं उसे पता चलता है कि उन दोनों को बंद करके रखा हुआ है एक लॉकर के अंदर बैंक में। वही हम देखते हैं उसकी हालत और खराब हो रही थी और वो होश में आ जाता है। वही हम देखते हैं वो बता देता है कि बैंक में है वो दोनों, और वहीं पर हम देखते हैं पता चल चुका था कि एरिका की मौत हो चुकी है, जिसके बारे में कोई भी यकीन नहीं करता है, बट वो सच था क्योंकि आइसेक ने ये बेहोशी के नशे में बोला था जो उसे खुद भी पता नहीं चला। वही हम देखते हैं सब लोग टेंस थे, बट वो सोचते हैं कि शायद बॉयड को ही बचा ले तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर बैठी हुई थी एलिसन लिडिया के साथ में, जहां पर लिडिया का फुल फोकस उन ट्विंस के ऊपर है। वही हम देखते हैं वो पता लगा लेती है कि एक गे है और एक स्ट्रेट है, और वो स्ट्रेट वाले को डेट करना चाहती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एलिसन का कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी भी वो सिंबल को ढूंढ रही है, और उसको लगता है कि सिंबल नहीं किसी चीज का लोगो है, और वो फाइंड करने लगती है अपने लैपटॉप में। वही हम देखते हैं यहाँ पर पहुंच चुकी थी लिडिया उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने के लिए, और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक टेंशन में है कि एरिका मर कैसे सकती है, और अगर वो एरिका नहीं थी तो दूसरी लड़की कौन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे जो बॉयड के साथ बंद की हुई है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे स्टाइल साफ करता है शायद फुल मून पे उन दोनों की लड़ाई करवाएंगे और उनमें से कोई एक ही बच पाएगा, और सब लोग टेंस हो रहे थे, और यहाँ पर डेरिक जाना चाहता है बचाने के लिए, और यहाँ पर एलन जो वेटनरी डॉक्टर है साफ करता है कि उसका अकेला जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, प्लान करके जाओ तो बेटर है, आइसेक के साथ देखो क्या हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। और वही हम देखते हैं उन्हें पता लग चुका था कि बैंक तो 3 महीने पहले ही बंद हो चुका है और यहाँ पर कोई नहीं है बैंक के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट प्लान बनाता है वापस बैंक में जाने का और यहाँ पर बॉयड की जान बचाने का। और अब वही हम देखते हैं स्टाइल बता सकता है कि चोरी वहां पर जो हुई थी वो किसने की थी और कैसे हुई थी, और वो हेल्प कर सकता है। और वहां पर डायरेक्ट बोलता है कितना टाइम लगेगा, और तभी स्टाइल बोलता है 2 मिनट लगने, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। और पता चलता है सुबह हो चुकी है उनको सर्च करते करते, और वो सो गए हैं, बट उनको अब तक नहीं पता चला है कि चोरी कैसे और कब हुई थी।
वही हम देखते हैं। उन दोनों को स्कूल जाने के लिए कहता है स्टाइल का डैड, और वहां से वो जाने की तैयारी करते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि उसके डैड ने उन चोरों को पकड़ा था, और ये सोचते हुए स्टाइल टेंस होने लगता है कि कहीं उसके डैड पे कोई ट्रबल ना आ जाए इस केस के रिलेटेड होने से। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर एलिसन प्लान करती है कि वो जाएगी उसी बैंक के अंदर, क्योंकि वही सिंबल है, वो पहले सबूत इकट्ठा करेगी और फिर कोर्ट के आगे दिखाएगी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वहीं हम देखते हैं वो लिडिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है, और रात को पहुंच जाती है वहीं पर उस बैंक को खोलते हुए। हम देखते हैं वहां की चेन तोड़ के वो अंदर जाने लगती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, और वही हम देखते हैं प्लान करता है स्कॉट स्टाइल डेरेक और पीटर के साथ में, पर पीटर साफ कर देता है कि वो इस प्लान का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा, तुम करो जो करना है, मैं एडवाइस दे सकता हूं बस। हम देखते हैं वो बैठ के एडवाइस देने लग रहा था, और यहाँ पर वो चोरी का पूरा प्लान समझाता है कि किस तरह चोर अंदर चुपचाप घुसे थे, और तुम उस रास्ते से जाकर वहां पर अंदर जाकर सीधा वोल्ट को खोल सकते हो। हम देखते हैं उस प्लान को समझने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट जाने के लिए तैयार है, और स्टाइल से तो पूछता ही नहीं है, उसको लगता है ये कहां जाएगा, बट हम देखते हैं वो पूछता है स्कॉट से, क्योंकि पीटर ने साफ मना कर दिया है, और यहाँ पर स्कॉट बॉयड के नाम पे हेल्प करने के लिए जाने के लिए तैयार है। वही हम देखते हैं स्टाइल और पीटर यहाँ पर अकेले वेट करने वाले थे जब तक ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। हम देखते हैं ना पीटर स्टाइल को पसंद करता है ना स्टाइल पीटर को, तो देखते हैं इनके बीच होता है क्या। वही हम देखते हैं वो दोनों जा चुके थे प्लान को फॉलो करते हुए, जहाँ पर वो चुपचाप उस वोल्ट को खोलने वाले थे जिससे कि आजाद कर सके बॉयड को, और जो दूसरी लड़की है कौन है इसके बारे में नहीं पता है, बट उसको भी आजाद करना जरूरी है, और ये देखते वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और वही हम देखते हैं जहाँ पर एलिसन जाने लग रही थी उस बिल्डिंग के अंदर, हम देखते हैं मैरिन मॉरल उसकी जो फ्रेंच टीचर थी उसको पकड़ती और बोलती है तुम गलत टाइम पे यहाँ पर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और उसको जबरदस्ती पकड़ते हुए एक कमरे में ले जाके बंद करती है और बोलती है वहीं पर छुपी रहना, जब तक लड़ाई की आवाज ना शुरू हो तब तक वहां पर छुपी रहना, और जब लड़ाई की आवाज आने लग जाए तुझे बाहर निकलना होगा। हम देखते हैं उसको डरा के कमरे के अंदर बंद करके जाने लगती है, और हम देखते हैं वो भी किसी प्लान में शामिल थी। और वही हम देखते हैं जैसे एलिसन को उस कमरे के अंदर भेजती है, एलिसन वहां पर अपने फोन की टॉर्च ऑन करती है, और उसको दिखती है एरिका की लाश, और ये देख के वो डरने लगती है। और वही हम देखते हैं पीटर के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था यहाँ पर स्टाइल्स को सहना, क्योंकि स्टाइल बक बक करे जा रहा है इतनी देर से, और यहाँ पर पीटर को गुस्सा आ रहा है, बट हम देखते हैं उसी मोमेंट पे उसे वो समझ आता है कि कहीं ना कहीं स्टाइल सही भी कह रहा है कि 3 फुल मून से उनने शायद टर्न ना किया हो बॉयड और जो भी वो लड़की है उसने, और वो एकदम अगर टर्न करेंगे तो शायद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। और तभी हम देखते हैं पता लगाता है कि जो वोल्ट है वो हेलिकेट नाम के मटेरियल से बना है जो चांद की रोशनी को अंदर तक नहीं आने देता है, मतलब वो 3 बार फुल मून को मिस कर चुके हैं जिसकी वजह से 4th टाइम पे उनकी एग्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मार देंगे जो उस वोल्ट के अंदर बंद है, और शायद डेरिक और स्कॉट को भी मार दे। वही हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल कॉल करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं तब तक वोल्ट तोड़ के वो अंदर जा चुके थे, और यहाँ पर बॉयड बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है, और स्टाइल फोन करके साफ कर देता है तुम्हें वहां से भागना होगा, कॉल मत काटना स्कॉट जैसे तुम हर बार काटते हो, और मेरी बात सुनो जो मटेरियल है वो हेलिकेट से बना हुआ है, इन्हें 3 बार टर्न नहीं किया है, 4th टाइम ये एग्रेशन में भरे पड़े हैं, ये एक दूसरे को मार देंगे और तुम दोनों को भी, तुम यहाँ से भागो। और वहीं हम देखते हैं अंदर आने के बाद पता चलता है डेरिक को कि जो दूसरी लड़की है वो कोई और नहीं उसकी छोटी बहन कोरा है। हम देखते हैं उसके पास जाने की ट्राई करता है, बट साफ करती है कोरा कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। वही हम देखते हैं भागने का ट्राई भी करते हैं, बट तब तक यहाँ पर मैरिल मॉरल जो उसकी फ्रेंच टीचर है उसने वहां पर माउंटेन एश डाल के बंद कर दिया था उनका रास्ता, और यहाँ पर स्कॉट देखता है कि वो तो उसकी फ्रेंच टीचर है और ये क्यों कर रही है उनके साथ में। और वही हम देखते हैं उनका एग्रेशन स्टार्ट होता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहां पर हम देखते हैं उनकी लड़ाई बहुत बढ़ने लग रही थी एक दूसरे से, और यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ स्कॉट को पकड़ के पीटने लगता है वॉइड, और अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में था और एग्रेशन में भी। वहीं कोरा को संभालने का डेरिक कोशिश कर रहा था, बट यह डेरिक की भी हालत खराब है क्योंकि इनका एग्रेशन सातवें आसमान पे है। और वही हम देखते हैं डिकेलियन को जो मोरेल के साथ में था, और हम देखते हैं मोरेल ने उसके कहने पे सब कुछ किया है पहली बार। वही हम देखते हैं उसके हाथ पकड़ते वहां से जाने लगती है, और ये सब डिकेलियन करवाने लग रहा था। और वही हम देखते हैं एलिसन बाहर आ चुकी थी और देखती है कि यहाँ पर स्कॉट की हालत बहुत खराब है और वो शायद मर सकता है। हम देखते हैं वो माउंटेन एश को मिटाने का ट्राई करती है, बट वहीं पर डायरेक्ट उसे रोकता है, बट वो देखती है स्कॉट की हालत ज्यादा खराब हो रही है तो मिटा के वहां से बॉयड को बाहर जाने की इजाजत देती है। हम देखते हैं जैसे ही वो माउंटेन एश वाली लाइन खत्म होती है
दोनों वेयरवुल्फ वहां से भाग जाते हैं और ये देख के डेरिक चिल्लाने लगता है एलिसन के ऊपर, बट वापस कोर्ट आके रोकता है और बोलता है इसने हमारी जान ही बचाई है। बट हम देखते हैं डेरिक बोलते हैं तुम्हें पता है वो बाहर जाके कितने लोगों को मार सकते हैं, कितना बड़ा पंगा खड़ा हो सकता है और ये सारी गलती इसकी है। बट साफ कर देती है एलिसन कि तुम हो जो बच्चों को वेयरवुल्फ में बदलने लग रहे हो, इसमें मेरी गलती नहीं है और ना मेरी फैमिली की है। बट तभी साफ कर देता है डेरिक कि तुम्हारी फैमिली की गलती है और एलिसन बोलती है मेरे दादा की बात मत करो, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है। और वहां पर वो बोलते हैं तुम्हारी दादा की नहीं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ, वो भी वैसी ही है। और वहां पर हम देखते हैं स्कॉट से पूछने लगती है एलिसन कि तुम्हें पता है क्या किया मेरी मॉम ने, और यहाँ पर शायद स्कॉट सच बता दे। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहां पर लिडिया को एक नाइटमेयर आता है और वो चिल्लाने लगती है होश खोकर, और वहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम देखेंगे कि लिडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पर अब ये दोनों वेयरवुल्फ किस किस को मारेंगे शहर में जाके। और यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर पे तो नाम नहीं आएगा, और उस लड़की का क्या हुआ जो गायब हो चुकी है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, टाटा।